Z5 ऐप डाउनलोड करो ते देखो पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। आप हमें नून ला के रोटी खा ली पर तेन वन सवन्ने पकवान खुआए ने। अजे तक तेरे लिए रोंदी हां मैं माही, पर तेरा दिल ना साडे लिए नहीं उस वीर लिए धड़कदा है। कोई कदर नहीं हैगी साडी, पता नहीं की कमी पेशी रह गई है तेन वड्डे करन च जो तू साडे तो इन्नी दूर हो गई है। माफ कर दे माही। मम्मी क्यों इन्नी इमोशनल हुई जान गया तू ही? मम्मी मैं थोनू प्यार करती हां और प्यार करती रहूंगी, पर हुन मैं वीर बिना नहीं जी सकती मम्मी। ते मैनू कमली भी तो तू ही बनाया ना मम्मी, तू ही मैनू बचपन तो कहंदे आए हो ना कि माही जो तू जिंदगी च एक बार फैसला कर लो ओदे ते डट के खड़े रहो, कदी हार ना मनो। सिखाया है ना मम्मी, याद है ना तनु? मैंने सब याद है, पर तू भूल गई है। जो असी सिखाया है ता भी सिखाया है ना कि किसे दे पीछे अपने परिवार नु नहीं छड्डीदा, अपने परिवार नु दुख नहीं देईदा किसे दे पीछे। मैं समझन नहीं आ मम्मी जो तुसी कहन दे हो, पर मैं थानू एक बार फिर कहांगी, मैं वीर नु अपना परिवार मान चुकी है, नहीं छड्ड सकती मैं हुण ओनू। साडे नाल रिश्ता तेरा पहला है माही, ते उस वीर नाल बाद च है। वीर दा रिश्ता हुण मेरे नाल मम्मी ताडी बराबरी दे। बराबर नहीं माही, गलत कह रही है तू। साडे रिश्ते नालों उत्ते ल्या के रखता है तू। मम्मी मेरे लिए तू ही भी जरूरी हो ते वीर भी जरूरी है। तू ही मैनू जन्म दिता है, वीर ने मैनू जीना सिखाया, तू ही मैनू जिंदगी दिती है मम्मी, पर वीर करके मैं जूंदी फिरती है। मैं ताडी धी हां मम्मी, तू ही मेरी मां हो। बच्चों नू अपने मां प्यो की जरूरत हुंदी है हर दुख सुख वेले, मैनू ताडी जरूरत है मम्मी और हमेशा रहूगी। ताडे बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकती मम्मी। ओ सब मैनू नहीं पता माही, मैं बस इन्ना जानती हां कि तैनू साडे दोनों चो किसी एक नू चुनना पेगा, मैनू या वीर नू। तू जिन्ना टाइम लेना ले ले, तू दो किश्तियां से सवार होके नहीं चल सकती माही। सोच ले ते फैसला ले ले, मैं उड़ीक करांगी तेरे जवाब दी। अंकल जी। सिमी पुत्र तुसी? होर किवें हो तुसी? बहुत वधिया बहुत वधिया। बैठो पुत्र। पुत्र फौजी नंबर एक लिए जदों बैठ लिए कहा जांदा ते दूजे लिए भी उही कमान हुंदी है। बैठो। ओहो माही अंकल जी ना थोड़े ऐदां दे ने, छेती भेत पा जेंगे तू इन्हां दा। बेटा लोकी डरते ने पर इतिहास गवाह है, लड़े बिना किसी की जित हुई कदे? कौन करदा अपने दोस्त लिए सारा कुछ जो ये दोवें जने एक दूजे लिए करदे आ? तू जानना चाहना है ना? दस सुन, मैं वीर नु प्यार करदी आ। तेनू पता है माही इंसान दी सब तो बेवकूफी वाली हरकत की हुंदी है? अपने नसीब नाल लड़ना। जे इंसान लड़ूगा नहीं तां जीतूगा किवें? की गल पुत्र, केड़ी सोचां च डुब गए तुसी? नहीं नहीं कुछ नहीं अंकल जी, तू ही ठीक कह दियो। बिना लड़े तो ना कोई भी जीत हासिल नहीं की जा सकती। चलो पुत्र मैं की कर सकता तुहाडे वास्ते? ओ अंकल जी एदा ना एक फ्रेंड है, ओदे ना मोटे ते गोली वज गई सी उग्रवादियों नाल लड़दे लड़दे। तुसी सुनिया होएगा वीर बारे खबरां विच? हाँ हाँ मैं बहुत देखदा ओदियां खबरां। देशवीर सिंह रंधावा ना? हांजी हांजी अंकल जी ओही। हाँ बहुत ही बहादुर मुंडा है, पर अजकल तां जवाकां दे कोल फोन दी वेल नहीं है, 24 घंटे फोन ते लगे रहिंदे ने, उन्हां ने देश बारे की सोचना? तुसीं तां बहुत लक्की हो बेटा
ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ। मैं कुछ गलत किया? नहीं नहीं जी। चलो फिर तुसी दसो अपने दोस्त देशवीर सिंह बारे। अंकल जी, वीर दा ना जी एक सुपना है कि वो फौज भर्ती हो जाए। उन्हें फिजिकल टेस्ट लिए भी बुलाया जा सकता है कदे भी, पर उन्हें बेचारे नू ना मोढ़े ते गोली वजन करके ना उदा ओ पासे दा हाथ घट काम करन लग पिया है, जिस करके ना वो बेचारा बहुत परेशान रहिंदा है कि हुण शायद वो फिजिकल च पास नहीं हो पाऊगा। देखो उसकी चिंता बिल्कुल सही है, हो सकता हाथ के काम ना करन करके वो फिजिकल टेस्ट विच रह जाए। उन्हें अपने हाथ का इलाज करवाने पैना, इस तो अलावा कोई चारा नहीं है। इसलिए तो अंकल जी असीं तुहाडे कोल आए हैं। जिवें कि सारे नूं पता है कि वीर भर्ती होए बिना उग्रवादी नाल लड़िया सीगा, वो लड़ाई जितया भी सीगा, उन्हें अपने देश दे प्यार लई जज्बे का सबूत भी दिता सीगा। ते अंकल जी तुहानू की लगता है एक गल उहदे फेवर च गिनी जाऊगी जदों उहदी सिलेक्शन होएगी? हाँ हाँ जरूर गिनी जाएगी उहदे फेवर च। पर जे एक चीते दी लत टुट जाए, वो रहिंदा तां चीता ही है, पर वो चीतियां वाले काम थोड़े कर सकदा ना, और चीतियां वांगू दौड़ थोड़े सकदा है। इसलिए इलाज तां वीर नूं कराउणे पैणा, भावें उहदी काबिलियत ते किसे नूं शक नहीं है, पर अगे जाके वो बॉर्डर पे दुश्मनों नाल किवें लड़ेगा जदों उहदा हाथ ही नहीं काम करदा। अपने लिए तो उन्हें ठीक होना ही पऊगा। फर्ज करो जे फौज नूं भर्ती कर भी लवे, अगे जाके वो बहुत परेशान होगा। एक फौजी होने के नाते जदों वो अगे उन्हें लड़ना पवेगा, वो नहीं लड़ पाएगा उसकी हाथ की प्रॉब्लम करके, तो वो अपने आप इन्ना परेशान होएगा कि उसका अंदाजा लगाना थोड़े लिए बहुत मुश्किल है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। हाँ जी हाँ जी, ठीक कह रहे हो तुसी अंकल जी। अच्छा तो फिर तुहाडे कोलों कोई कॉन्टैक्ट होएगा किसी डॉक्टर का जो कि वीर का इलाज ठीक तरह नाल कर पाएगा? क्यों नहीं पुत्र, दुनिया तो चंद ते पहुंच गई है, आ तो मामूली जिहा इलाज की गल है। वैसे तो पुत्र साढ़े फौज बहुत डॉक्टर होंगे ने, पर एक जाने माने डॉक्टर है, डॉक्टर राधिका सरीन, वो बहुत ही वधिया देशवीर सिंह का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उन्होंने एक क्लीनिक चंडीगढ़ के भी है। बाकी सिमी पुत्र मैं तेनों उन्होंने नंबर सेंड कर देवगा, तुम उन्होंने आप ही गल कर लो। असी तो आस ही कर सकते और दुआई कर सकते हैं परमात्मा अगे कि देशवीर सिंह जल्दी ठीक हो और एक वधिया जवान साड़ी फौज में मिले तो फौज में भर्ती हो। अच्छा बेटा तुम दोनों बैठो, मैं तुहाडे लई कॉफी नूं कहना। की होया माही, तू इन्नी परेशान क्यों लगन रही है? तेनू ते खुश होना चाहिदा है कि वीर दी इस प्रॉब्लम दा सानू सल्यूशन मिल गया। यार सिम्मी, अंकल कहन दे ने कि वो डॉक्टर दा क्लिनिक चंडीगढ़ दे विच है। मेरा बस चले ना तो मैं तो हुणे चली जावां चंडीगढ़। पर यार तेरी मम्मा? हाँ एग्जैक्टली मेरी मम्मी, तेनू नहीं पता रात सिम्मी की होया, मेरी ते मम्मी दी ना बहसबाजी हो गई यार। मम्मी मैनू कहंदे उन्हां दोनों विचों ना मैं किसे एक नूं चुणा, या वीर नूं या अपनी मां नूं। यार मैनू नहीं लगता मम्मी मैनू जान देणगे चंडीगढ़। तू ना इस गल दी कोई फिक्र ना कर, सब मेरे ते छड्ड। मैं ना तेरे घर आवांगी ते तेरी मम्मी नूं कह देंगी कि मैं शॉपिंग करन जाना चंडीगढ़, ते तेनू भी नाल लैके चल जावांगी। हाँ यार आ तां बहुत वधिया आइडिया, तू जे आके मम्मी नाल गल करेंगी हो सकता वो जान दे देना अपन नूं। इस करके हुण टेंशन ना लै। वीर जी आज की बना अंडे हो मेरे लिए? बहुत लंबे आए करने ने तेरे सौरे हो। क्यों वीर जी, मैं की कीता? रोटी बनानी आंदी तेनू? जे तेरा व्याह होना है त
सौरिया नूं पहले दे मिठा की खवाएंगी दस चाह बना दांगी ओदे च फुग Z5 ऐप डाउनलोड करो ते वेखो सारे एपिसोड बिल्कुल फ्री।